जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत खास है और आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूंगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार। एक्सरसाइज करते करते किशोर कुमार के गाने सुनना, मैं तो लाइव सुन रहा हूँ। इनको पंडा नाइफ न बट ओनली फटाफट फटाफट फटाफट। उम्मीद इंडिया, जब मुझे पहली बार अप्रोच किया गया इस शो के लिए तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि मैं एक शो होस्ट करूंगा जिसमें ओलंपिक के एथलीट्स के बारे में मुझे भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से उत्सुक रहता था कि भाई ये एथलीट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे फिटनेस करते हैं, क्या खाते हैं, क्या इनका रूटीन होता है, तो उस सब के बारे में मुझे जानने का बड़ी चिंता रहती थी, तो अब उत्सुकता रहती थी। तब वो मुझे मौका मिला इनके साथ समय बिताने का, तो जो मॉनेटरी पार्ट था उसकी मैंने परवाह नहीं की कि जो मैं शायद स्टार स्पोर्ट्स के लिए चार्ज करता हूँ उससे भी कम पैसे में मैंने चार्ज किया यहाँ पर, क्योंकि बाद में सवाल आता ज़रूर है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो करोड़ों रुपये नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही पैसे कुछ इलाकों में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था कि जो एथलीट है जो ओलंपिक में जाते हैं वो कैसे ट्रेन करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो एक दिन एक हफ्ता एक महीना एक साल नहीं चार साल लगातार मेहनत करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, और एक एक सेकंड को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें सालों लगते हैं, और हम लोग बड़े आराम से बैठ कर कह देते हैं अपने इसी रूम में कि हमारे एथलीट वहाँ पर सिर्फ सेल्फी खिंचाने गए हैं। वो मुझे बहुत हर्ट किया हमारे एथलीट के बारे में जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो शायद वो भी एक कारण था कि मैंने ये उम्मीद इंडिया का शो एक्सेप्ट किया कि शायद इस शो के द्वारा मैं उन लोगों को बताऊं कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप बड़े आराम से कह देते हैं। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.